सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मैं कुसुम रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी शाम की लगभग 4 बजे से हो रही है। तो फ्रेंड्स, बाहर का मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है और आज ना बहुत ठंडा हो रहा है। पेड़ पौधों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत हवा चल रही है। और आज ना मैं जा रही हूँ फिर से जोरहाट टाउन, क्योंकि यार बच्चों के स्कूल में है फंक्शन। तो अनुराग ने अब भी बताया मेरे को कि मेरे लिए ड्रेस लेके आना है बोला। तो फ्रेंड, बाहर का मौसम काफ़ी मतलब ठंडा हो रखा है और जाने का बिल्कुल मन नहीं है टाउन, बट अनु का ड्रेस लेना है तो जाना ही पड़ेगा। और इतना हवा चल रहा है ना, इतना हवा चल रहा है, मैं तो खट 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 हो गया, पता है बहुत हवा चल रहा है। मैंने जबकि ये गर्म शॉल लिया हुआ है पर फिर भी बहुत ठंडा हो रहा है। आज हम जा रहे हैं जोरहाट टाउन नए रास्ते से, ये गांव पड़ता है बीच में, गांव से होते हुए जा रहे हैं इधर के लिए, उधर के लिए। तो फ्रेंड, जोरहाट टाउन में पहुंच गए हैं और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं अन्नू का सूट और कुर्ता पैजामा ढूंढ रहे हैं, बट मिल ही नहीं रहा है। कितना दुकान छान मार लिया और नहीं मिल रहा है। फिर भी अभी इधर ही घूम रहे हैं जोरहाट टाउन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दुकान में आए हुए हैं हम लोग और अनुराग के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर कुर्ता पैजामा इस तरह से मिल चुका है कुर्ता पैजामा, तो पर देख रहे हैं अभी कितना साइज है। साइज कितना होगा भैया? 32। उस पर क्या बोलो, 32 आएगा कि 34 आएगा भैया? हाँ, ये छोटा है, 34 देना पड़ेगा। और अभी ये मैरून कलर हमने ले लिया है यहाँ पे, और अंकल जी थोड़ा दाम कम कर दो बोल रहे हैं हम अंकल जी को। तो फ्रेंड्स, कुर्ता पैजामा ले लिया है और अभी निकल, बड़ी मुश्किल से मिला यार ये वाली गली में मिला हमें, और चलते हैं बाहर। और यहाँ पे ना सामने पे ये दुकानें हैं कि पूरा जोरहाट ढूंढ मारा फिर लास्ट इस गली में मिला यहाँ पे। और यहाँ बाहर में ये भैया और का ये दुकान भी लगा हुआ है, और इस तरफ के लिए चूड़ी बिंदी सभी प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, और इस तरफ के लिए ये कपड़ों के दुकान लगी हुई है। और आगे निकलेंगे हम लोग, इधर में पर्स वर्स सारे रखे हुए हैं। तो अभी रात हो गई है, मैं फटाफट घर के लिए निकल रही हूँ। बहुत मुश्किल से मिला मुझे कुर्ता पैजामा, क्योंकि क्या होता है ना अभी शाम हो गई है तो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। स्कूटी हमने बहुत आगे रखी हुई है, कुर्ता पैजामा ढूंढते ढूंढते इतनी दूर आ गए ना हम लोग, अभी जाना भी है तो गाड़ियों का आना जाना भी बहुत हो रहा है। और मार्केट में एकदम रात पड़ चुकी है। ए रुको 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 रुको। और अभी स्कूटी में जाने के लिए मुझे लगेगा 10 मिनट, इतना दूर आए हम ढूंढते ढूंढते। फ्रेंड्स, यहाँ पे रखे हैं मक्का, और मैं यहाँ पे मकई के दाम पूछती हूँ कितना बता रहे हैं। मक्का का दाम कितना है भैया? 1 का 30। और 5-6 ले जाने से कितना लगाओगे? कच्चा 20 का। 100 में कितना दोगे? 6 दे दो।
तो भाई को बोला कि मतलब 6 पीस 100 रुपये का दे दो, तो वो दे रहे हैं। और ये वाला भुट्टा 30 का 1 अच्छा वाला रखा, रुको मैं रखूंगी। है तो है, सब में है, सब खोल के दिखा सकते हैं। है तो बहुत अच्छी मकई यहाँ पे आई हुई है, और मैं भी लेके जा रही हूँ, इनका घर में बना के आराम से बॉयल करके खाएंगे। और ठीक सामने पे लगा हुआ है भीट, भी मार्ट के सामने।